सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है ये हम सभी को पता है। साथ ही सचिन तेंदुलकर ने सपनों के शहर मुंबई के लिए भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। आपको बता दें कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इस साल 24 अप्रैल को 50 साल के हो जाएंगे और इसी जन्मदिन में तोहफे के रूप में MCA यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि लेजेंडरी बल्लेबाज सचिन को बहुत बड़े लाइफ साइज स्टैचू से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्टैचू को इंस्टॉल करके मोस्ट ग्रैंड पॉसिबल वे में ऑनर्ड किया जाएगा। MCA के प्रेसिडेंट अमोल काले ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया है कि उनकी बात 3 हफ्ते पहले ही सचिन से हुई है और सचिन ने भी इस लाइफ स्टैचू के लिए अपनी सहमति दे दी है। साथ ही अमोल ने यह भी बताया कि वानखेड़े स्टेडियम में ये पहला स्टैचू होगा। अगर ये स्टैचू सचिन के बर्थडे से पहले तैयार हो जाता है तो सचिन के बर्थडे पर इसको सचिन को एज अ गिफ्ट के तौर पर दिखाया जाएगा, नहीं तो अक्टूबर नवंबर में इंडिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप मैच में वानखेड़े स्टेडियम में इसकी ओपनिंग की जाएगी। सचिन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। सचिन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। MCA यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अपने प्लेयर्स को फिटिंग ट्रिब्यूट पे करने के लिए जानी जाती है। क्रिकेट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल अद्भुत चर्चा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमको इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।